गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन हेलोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए, अपना टॉपिक चल रहा है हेलोबेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। अपन ने हेलोबेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाएं चार प्रकार की बताई थी। पहली बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी धातुओं के साथ अभिक्रिया, तीसरी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिनको अपन SN रिएक्शन कहते हैं, जो अपन ने कल वाली क्लास में किया था। और चौथी थी हेलोबेंजीन का अपचयन। अब शुरुआत की तीन अभिक्रियाएं अपन कर चुके हैं। बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो चुकी है, धातुओं के साथ अभिक्रिया हो चुकी है, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN रिएक्शन ये अपन लास्ट वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए, हेलोबेंजीन की लास्ट अभिक्रिया है हेलोबेंजीन का अपचयन, ठीक है। अब देखिए, हेलोबेंजीन है वो 2H अपचिन द्वारा 2H अपचिन द्वारा बेंजीन में परिवर्तित हो जाता है। तो अपन हेलोबेंजीन का 2H अपचयन करवाएंगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, बेंजीन में। तो ये हेलोबेंजीन को बेंजीन में बदलने का तरीका है। हेलोबेंजीन को बेंजीन में बदलने का अपन ने पहले एक तरीका किया था गिडन्यार अभिकर्मक के माध्यम से। पहले अपन ने हेलोबेंजीन की मैग्नीशियम धातु से क्रिया करवाकर बनाया था एरोमेटिक गिडन्यार अभिकर्मक, और फिर उस एरोमेटिक गिडन्यार अभिकर्मक का जल अपघटन करवाने पर अपन को प्राप्त होता है बेंजीन। तो वहाँ अपन ने हेलोबेंजीन को बेंजीन में बदला था गिडन्यार अभिकर्मक के माध्यम से। यहाँ अपन हेलोबेंजीन को बेंजीन में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं 2H अपचयन द्वारा। तो देखिए, ये अपन ने हेलोबेंजीन के रूप में ले लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और ये 2H अपचयन करवा दिया। निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु की उपस्थिति में, ठीक है,
अब देखिए वन हाइड्रोजन है वो ले जाएगा क्लोरीन को, क्या बना लेगा HCl, और वन हाइड्रोजन है वो क्लोरीन की जगह लग जाएगा रिंग में, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को इस प्रकार से लिख सकते हैं C6H5Cl, ठीक है। बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। अब यहाँ बेंजीन वाले से क्या लगा है, क्लोरीन, तो बेंजीन वाले पे कोई भी समूह लगता है वो उसके एक हाइड्रोजन को हटाकर जुड़ता है, तो क्लोरोबेंजीन हो गया C6H5Cl, है ना। अब यहाँ से क्लोरीन वन हाइड्रोजन के साथ चला गया HCl, अब जो दूसरा हाइड्रोजन है वो लग जाएगा रिंग में C6H5 और H, ये क्या हो जाएगा C6H6, यानी क्लोरोबेंजीन है उससे अपन को प्राप्त हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, तो इस प्रकार क्लोरोबेंजीन का 2H अपचयन करवाने पर अपन को प्राप्त होता है बेंजीन। तो ये हेलोबेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कंप्लीट है। अब देखिए इस लेसन में जो अपना लास्ट टॉपिक है वो है बेंजील हैलाइड की क्रियाशीलता। इस लेसन का अपना लास्ट टॉपिक है बेंजील हैलाइड की क्रियाशीलता। अब बेंजील, बेंजील समूह क्या होता है अपना बताया हुआ है, बेंजीन से लगा हो CH2, बेंजीन से क्या लगा हो CH2 लगा हो, तो इस समूह को कहते हैं बेंजील, और यहां हैलाइड तो यहां जोड़ देंगे X, तो ये है बेंजील हैलाइड। ठीक है, अब अपन को यहां पढ़ना है बेंजील हैलाइड की क्रियाशीलता, और यहां अपन बेंजील हैलाइड की क्रियाशीलता पढ़ेंगे कौन सी अभिक्रिया के लिए, SN अभिक्रिया के लिए, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए। यहां अपन बेंजील हैलाइड की क्रियाशीलता पढ़ेंगे कौन सी अभिक्रिया के लिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या SN अभिक्रिया के लिए। ठीक है, अब देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को अपन हेलो एल्केन के लिए पढ़ चुके हैं और हेलो बेंजीन के लिए भी पढ़ चुके हैं। हेलो एल्केन में अपन ने बताया था हेलो एल्केन की मुख्य अभिक्रिया कौन सी होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और हेलो बेंजीन के लिए अपन ने कल वाली क्लास में पढ़ा था कि हेलो बेंजीन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए बहुत कम क्रियाशील होता है। कारण हेलो बेंजीन में हेलोजन और बेंजीन के बीच आंशिक द्विबंध पाया जाता है अनुनाद के कारण। ठीक है, आज अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसकी क्रियाशीलता पढ़ेंगे किसके लिए, बेंजील हैलाइड के लिए। ठीक है, तो देखिए
बेंजील हैलाइड एसएन अभिक्रिया के लिए हेलो एल्केन आरएक्स बेंजील हैलाइड एसएन अभिक्रिया के लिए हेलो एल्केन की तुलना में भी अधिक क्रियाशील होते हैं। तो बेंजील हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए हेलो एल्केन की तुलना में भी अधिक क्रियाशील होते हैं। क्योंकि बेंजील हैलाइड हैलोजन त्याग कर बेंजील कार्बोकेटाइन का निर्माण करता है जिसमें अनुनाद पाया जाता है जिसमें अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद के कारण बेंजील कार्बोकेटायन अत्यधिक स्थायी होता है इसलिए बेंजील हैलाइड स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसलिए बेंजील हैलाइड स्थायित्व प्राप्त करने के लिए शीघ्रता से हैलोजन त्याग कर बेंजील कार्बोकेटायन में बदल जाता है। तो देखिए बेंजील हैलाइड है वो ऐसे अभिक्रिया के लिए हेलो एल्केन की तुलना में भी अधिक क्रियाशील होते हैं। कारण क्योंकि बेंजील हैलाइड हैलोजन त्याग कर बनाता है बेंजील कार्बोकेटायन और बेंजील कार्बोकेटायन में क्या पाया जाता है अनुनाद पाया जाता है और अनुनाद के कारण बेंजील कार्बोकेटायन है वो अत्यधिक स्थायी होता है। ठीक है अब देखिए इसलिए बेंजील हैलाइड है वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए शीघ्रता से अपने हैलोजन को त्याग देता है और बेंजील कार्बोकेटायन में बदल जाता है। क्योंकि बेंजील कार्बोकेटायन है वो अनुनाद के कारण बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है तो इसलिए बेंजील हैलाइड है वो अपने हैलोजन को हेलो एल्केन की तुलना में
शीघ्रता से त्यागेगा, ठीक है। इसलिए बेंजील हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए हेलो एल्केन की तुलना में भी अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। अब देखिए, अब अपन देखेंगे कि बेंजील कार्बोकैटायन में अनुनाद है वो किस प्रकार पाया जाता है। ये बेंजील हैलाइड है, अब देखिए यहां पर कार्बन और हैलोजन में विद्युत ऋणता ज्यादा होती है हैलोजन की, तो यहां इलेक्ट्रॉन हैलोजन लेकर के एक्स माइनस के रूप में निकल जाएगा। और बाहर CH2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन निकल गया एक्स माइनस के रूप में। अब देखिए बेंजील पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसको अपन कहेंगे बेंजील कार्बोकैटायन। तो बेंजील हैलाइड है वो हैलोजन त्याग कर किस में बदल गया, बेंजील कार्बोकैटायन में बदल गया। अब देखिए इस बेंजील कार्बोकैटायन में अनुनाद किस प्रकार पाया जाता है। अनुनाद का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पे। ये अपना बेंजील कार्बोकैटायन हो गया। अब देखिए बेंजीन से जुड़ा है CH2 और इस CH2 पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। यानी बेंजीन से जो डायरेक्टली परमाणु जुड़ा है कार्बन उस पे पॉजिटिव है, यानी उस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, कम है, ठीक है। अब बेंजीन से जो डायरेक्टली परमाणु जुड़ा हो और उस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो, कम हो, तो अनुनाद के दौरान क्या होता है, बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं बाहर। अपन ने हेलोबेंजीन में देखा था कि बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा था हैलोजन और उस पर तीन क्या थे, लोन पेयर, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या था, अधिक था। इसलिए वहां अनुनाद के दौरान क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन बाहर से आए थे अंदर, कौन सा प्रभाव था, प्लस आर प्रभाव। यहां बेंजीन से जो डायरेक्टली परमाणु जुड़ा है कार्बन उस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, कम है, तो यहां अनुनाद के दौरान बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाहर। ये कौन सा प्रभाव होगा, माइनस आर प्रभाव, ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, यहां सिंगल की जगह हो जाएगा डबल, और इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, उदासीन। तो अपन को अगली अनुनादी संरचना प्राप्त होगी इस प्रकार से, यहां डबल की जगह सिंगल हो गया, बाहर सिंगल की जगह डबल हो गया, और बाहर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, उदासीन। अब ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो इस ऑर्थो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। इन दो डबल बॉन्ड को अपन ने अभी टच नहीं किया, इनको ऐसा का ऐसा लिख दो, ठीक है। अब इस ऑर्थो कार्बन के पॉजिटिव को न्यूट्रल करेगा ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, तो ऑर्थो का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, उदासीन, और अब इस पैरा कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए ये डबल बॉन्ड के यहां पे आए तो ये प्लस उदासीन हो गया, यहां पे सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो गया, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आए तो पैरा कार्बन पे हो जाएगा पॉजिटिव, इस डबल बॉन्ड को ऐसा कैसा लिख देंगे। अब इस पैरा कार्बन के पॉजिटिव को उदासीन करने के लिए ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां पे,
जिससे ये पॉजिटिव उदासीन हो जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं तो इस ऑर्थो पे आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ डबल, ये यहाँ पे आए, यहाँ डबल हो गया, ये प्लस उदासीन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं तो इस ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए इस ऑर्थो कार्बन का पॉजिटिव है वो अब कैसे उदासीन होगा, ये जो बाहर डबल बॉन्ड है इस बाहर वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ वापस बेंजीन वाले के अंदर और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा उदासीन, ये डबल बॉन्ड वापस बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में और इस बाहर वाले कार्बन पे वापस हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हो जो बेंजील कार्बोकेटायन है बेंजील कार्बोकेटायन में इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी इस प्रकार इसमें क्या पाया जाता है अनुनाद पाया जाता है, ठीक है। तो इस कारण से बेंजील कार्बोकेटायन है वो अत्यधिक स्थायी होता है और अपन को पता है हर कोई स्थायित्व तो चाहता है, इसलिए बेंजील हैलाइड है वो स्थायी होने के लिए अपने हैलोजन को शीघ्रता से किसके रूप में त्याग देगा एक्स माइनस के रूप में, ठीक है। और बेंजील कार्बोकेटायन है उस पर आक्रमण कर देगा कौन, नाभिक स्नेही, इसलिए यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए हेलो एल्केन की तुलना में भी अधिक क्रियाशील होता है। अपन ने बताया था देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में क्या होता है, ये हेलो एल्केन ले लिया, ये अपन ने ले लिया हेलो एल्केन और वहां अपन ने आक्रमण करवाया था किसका, नाभिक स्नेही का। अपन को बताया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में हैलोजन है वो निकलता है किसके रूप में, एक्स माइनस के रूप में, आर पे क्या आ जाता है प्लस, ठीक है। आर प्लस पे आक्रमण कर देता है नाभिक स्नेही, आर एन यू प्लस एक्स माइनस। तो अपन यहां पे समझ सकते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी जिसका हैलोजन जल्दी से एक्स माइनस के रूप में बाहर जाएगा, है ना। तो देखिए बेंजील हैलाइड है उसका हैलोजन हेलो एल्केन की तुलना में शीघ्रता से एक्स माइनस के रूप में बाहर चला जाता है, कारण बेंजील हैलाइड हैलोजन को त्याग कर बनाता है बेंजील कार्बोकेटायन जिसमें अनुनाद पाया जाता है और यह अनुनाद के द्वारा अनुनाद के कारण बहुत ज्यादा क्या होता है स्थायी होता है, इसलिए यह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए शीघ्रता से अपने हैलोजन को एक्स माइनस के रूप में त्याग देता है और यहाँ नाभिक स्नेही है वो आसानी से आकर जुड़ जाएगा, इसलिए बेंजील हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए हेलो एल्केन की तुलना में भी अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। अब देखो अपन ने बताया था लास्ट क्लास में हेलो बेंजीन, क्या हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन है ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी SN अभिक्रिया के लिए बहुत कम क्रियाशील होता है ना, और इसका रीजन अपन ने बताया था इसमें हेलोबेंजीन में जो अनुनाद पाया जाता है उस अनुनाद के कारण अपन इसकी जो वास्तविक संरचना बनाते हैं हेलोबेंजीन की उसमें अपन पाते हैं कि हेलोबेंजीन में हेलोजन और बेंजीन के बीच आंशिक द्विबंध पाया जाता है, हेलोबेंजीन में अनुनाद के कारण बेंजीन और हेलोजन के बीच क्या पाया जाता है आंशिक द्विबंध जो कि मजबूत होता है, जो कि
हेलो एल्केन के सिंगल बॉन्ड की तुलना में क्या होता है? मजबूत। इसलिए इसका हेलोजन है वो हेलो एल्केन की तुलना में आसानी से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए हेलो बेंजीन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए बहुत कम क्रियाशील होता है ना। तो देखो अपने पास यहां बोर्ड पे तीन हेलोजन यौगिक हैं। अपने पास बोर्ड पे तीन हेलोजन यौगिक हैं, एक तो बेंजील हैलाइड, एक हेलो एल्केन और एक हेलो बेंजीन। अब अपन इन तीनों यौगिकों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी SN रिएक्शन के लिए क्रियाशीलता देखें तो सबसे अधिक क्रियाशील तो होगा बेंजील हैलाइड। कारण अपने सामने है, बेंजील हैलाइड अपने हेलोजन को त्याग कर बेंजील कार्बोकेटायन में बदल जाता है जो अनुनाद के कारण बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्थाई होता है। इसलिए बेंजील हैलाइड अपने हेलोजन को शीघ्रता से X- के रूप में त्यागेगा, तो सबसे अधिक क्रियाशील बेंजील हैलाइड। फिर होगा हेलो एल्केन और सबसे कम क्रियाशील होगा हेलो बेंजीन। कारण इसमें अनुनाद के कारण बेंजीन और हेलोजन के बीच पाया जाता है आंशिक द्विबंध, इसलिए इसका हेलोजन है वो आसानी से X- के रूप में नहीं निकल पाता। तो SN रिएक्शन के लिए इन तीनों में सबसे अधिक क्रियाशील बेंजील हैलाइड और सबसे कम क्रियाशील हेलो बेंजीन। और हेलो एल्केन है उसकी क्रियाशीलता SN रिएक्शन के लिए इन दोनों के बीच की होती है। हेलो बेंजीन से ये अधिक क्रियाशील होता है हेलो एल्केन, और बेंजील हैलाइड की तुलना में कम क्रियाशील होता है। तो देखिए अब अपन इनकी क्रियाशीलता का क्रम लिखते हैं। ये देखिए अपन ने तीनों को ले लिया, बेंजील हैलाइड, हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन। ये बेंजील हैलाइड हो गया, बेंजीन के ऊपर CH2 के साथ X, हेलो एल्केन RX, हेलो बेंजीन, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा होगा हेलोजन। ठीक है, तो अब देखिए इनके लिए SN की क्रियाशीलता का क्रम, SN अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्रम, सबसे अधिक क्रियाशील बेंजील हैलाइड, फिर हेलो एल्केन और सबसे कम क्रियाशील होगा हेलो बेंजीन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बेंजील हैलाइड की SN अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता, और ये 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो बेंजील हैलाइड SN अभिक्रिया के लिए हेलो एल्केन की तुलना में भी अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, अब देखो SN अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2। अब यदि अपन बात करें कि बेंजील हैलाइड SN1 से क्रिया करता है या SN2 से, है ना, तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करता है SN1 से। किससे करेगा? SN1 से। कारण अपन पढ़ चुके हैं SN1 है उसमें क्रियाशीलता डिपेंड करती है कार्बोकेटायन के स्थायित्व पे,
अपन SN1 में पढ़ चुके हैं कि SN1 में क्रियाशीलता है वो कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर डिपेंड करती। क्यों? SN1 दो पदों में हुई थी और उसका जो वेग निर्धारक पद था पहला, वहाँ निर्माण होता है किसका? कार्बोकैटायन का। इसलिए SN1 की क्रियाशीलता है वो कार्बोकैटायन के स्थायित्व पे निर्भर करती है। और अपन देख रहे हैं बेंजील हैलाइड है, उसका बेंजील कार्बोकैटायन अनुनाद के कारण बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्थायी होता है ना? इसलिए इसका कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्थायी होता है और SN1 की क्रियाशीलता कार्बोकैटायन के स्थायित्व पे निर्भर करती है। इसलिए बेंजील हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है वो किसके द्वारा करता है? SN1 क्रियाविधि के द्वारा करता है, ठीक है ना? तो बेंजील हैलाइड है वो SN1 के द्वारा क्या करता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करता है, ठीक है? तो ये अपना जो लेसन है वो कंप्लीट है। आप इस लेसन के पीछे जो बुक्स में क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं वो आप, पूरा लेसन कंप्लीट हो गया, अब वो पीछे वाले क्वेश्चन है वो आप अपने स्तर पे करके देखना। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम है वो नहीं आनी चाहिए, फिर भी कोई आती है तो आप मुझसे डिस्कस है वो कर लेना। अब इस लेसन के जो नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप जो नोट्स हैं उनसे उस पूरे लेसन को एक बार से रिवाइज कर लेना अच्छी तरह से, और अपने जो नोट्स हैं वो आप अपने साथ साथ में धीरे धीरे बनाते रहना। थैंक यू।